हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सरकारी जॉब ज्ञान पे। आज की इस वीडियो में बात करने वाले कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के बारे में, यानी सीईटी के बारे में क्या कुछ न्यू अपडेट है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिए ताकि जितनी भी इंपॉर्टेंट अपडेट हम आपके लिए यहाँ पे लेके आए वो आपको पूरी मिल सके। और दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको ऐसी एग्जाम से रिलेटेड पल पल की अपडेट यहाँ से मिल सके। तो यहाँ पर आप देख सकते दोस्तों आज ही का आर्टिकल है, यहाँ पर आप देख सकते हैं तैयारी करने वाले छात्रों के लिए अंग्रेजी अनिवार्य है। जैसे कि आप सब लोगों को पता है दोस्तों, यहाँ पे एसएससी, आईबीपीएस और रेलवे के अंदर है जो अलग अलग एग्ज़ाम पैटर्न है, अलग अलग सिलेबस है, लेकिन अब सीईटी के आने के बाद जो एग्ज़ाम होगा वो सबका यहाँ पे सेम होने वाला है। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि एसएससी की जो रीजनिंग है वो काफ़ी ईजी होती है। अगर हम बात करें आईबीपीएस यानी कि बैंकिंग के एग्ज़ाम्स के बारे में, तो बैंकिंग में आपको पता है रीजनिंग की जो लेवल है वो काफ़ी हाई होता है और मैथ्स का लेवल है जो कम रहता है, लेकिन एसएससी के एग्ज़ाम्स के अंदर एडवांस मैथ्स की वजह से जो लेवल है वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा होता है। और अगर हम रेलवे की बात करें तो रेलवे में इंग्लिश यहाँ पर आती नहीं है, तो इस वजह से यहाँ पर क्या होने वाला है, क्या इंग्लिश हर एग्ज़ाम में आएगी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट लेके आप खुद भी यहाँ पर पढ़ सकते हैं। बाकी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि तैयारी करने वाले छात्रों के लिए अंग्रेजी अनिवार्य है, यानी कि एक लैंग्वेज है वो यहाँ पर आपको आने के लिए आए कि यहाँ पे हर एग्ज़ाम के अंदर। यहाँ पे आप देख सकते हैं नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के बदलाव पर देना ध्यान, एक ही आवेदन से तीन परीक्षाओं में शामिल हो सकेंगे। तो यहाँ पे ये सब आप लोगों को पता है और आपको ये पता है, यहाँ पे देख सकते हैं बदलाव अच्छा है। रेलवे प्रतियोगिता परीक्षा के विशेषज्ञ प्लेटफॉर्म कोचिंग संस्थान के निदेशक नवीन सिंह का कहना है कि बदलाव बहुत अच्छा है। रेलवे की तैयारी करने वाले छात्रों को अब अंग्रेजी पढ़ना अनिवार्य हो जाएगा। पहले रेलवे के सिलेबस में अंग्रेजी अनिवार्य नहीं थी, इस बार एनआरए ने पहली परीक्षा लेगी उसमें गणित, अंग्रेजी, रीजनिंग और जीएसजी के पढ़ना होगा। अभी तक रेलवे की तैयारी करने वाले छात्र एसएससी और बैंकिंग की परीक्षा नहीं देते थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं बैंकिंग वाले को जीएस पर ध्यान देना, बैंकिंग परीक्षा विशेषज्ञ संस्थान के निदेशक दुर्गेश बताते हैं कि बिहारी छात्रों को नौकरी प्राप्त करने के लिए सुनहरा मौका है। बैंकिंग की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए अन्य विशेष तौर पर जीके व जीएस पर ध्यान देना होगा। बैंक के छात्र गणित, रीजनिंग और अंग्रेजी में बेहतर स्कोर कर सकते थे, थोड़ा बहुत जीएस में फंसते थे, अब चारों विषय पर ध्यान देना होगा। एनआरए को ग्रामीण क्षेत्र में परीक्षा केंद्र देना होगा ताकि छात्र छात्राओं को ज़्यादा दिक्कत नहीं हो सके। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो ये आप सब समझ सकते हैं कि जो आपके आने वाले एग्ज़ाम्स हैं उसके अंदर इंग्लिश आप सब लोगों के लिए कंपल्सरी लैंग्वेज यहाँ पर होने वाली। बाकी आप इसका स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पे पढ़ सकते हैं। बाकी सीईटी एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी कोई अपडेट आएगी सबसे पहले आपको इस चैनल के द्वारा प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो यानी आने वाले एग्ज़ाम्स के अंदर इंग्लिश कंपलसरी होने वाली है हर एग्ज़ाम के लिए। तो फिलहाल यही कुछ लेटेस्ट अपडेट है दोस्तों आप सब लोगों के लिए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे हमारे चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।